नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच और गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी देवाशीष जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। दाता खुशियां दे, सदा सुख पक्ष। क्या आपके जीवन में कुछ भी मंगल नहीं हो रहा है? क्या सब कुछ अमंगल हो रहा है? तो आज हम गुरुदेव से जानेंगे कि कैसे आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। और भी अन्य विषय होंगे, वो भी आपको बता देती हूँ। मंगल की कौन सी चाल आपके संकट और दुख दर्द दूर करेगी? मंगलवार को हनुमान जी आपकी मुराद कैसे करेंगे पूरी? कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए मंगल को कैसे करें मजबूत? शादी में आ रही परेशानियों को दूर करने वाले मंगल के अचूक उपाय जानेंगे। गुरुदेव, आज के इस खास कार्यक्रम में, इस खास एपिसोड में आज हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो शुरुआत भी करते हैं इसी से कि हमारी कुंडली का आखिरकार मंगल से क्या संबंध होता है। बेटा, मंगल के लिए वो जो बोला जाता है ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिंकु लोक उजागर, यानी कि इनके जो देवता वो हनुमान जी है, ये हमें समझाया गया बेटा कि दुनिया हो, कोई कर्म हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ मेहनत से ही चलता है। और जो भी इंसान अपने लक्ष्य को सिर्फ निर्धारित करके उसके लिए लगातार मेहनत करता चला जाता है, वो मंगल का परम प्रिय होता है, हनुमान जी का परम प्रिय होता है। ठीक है। और जन्म कुंडली के अंदर मंगल का अच्छा होना, आप में से बहुत सारे दर्शक हमारे जानते भी हैं कि मंगल अगर अच्छा तो भाई अच्छे, सहन शक्ति अच्छी, कर्म की शक्ति अच्छी और सात्विकता अच्छी, समझे? और जिसकी सात्विकता अच्छी, उसकी घर परिवार समाज के अंदर इज्जत अच्छी, समझे? और मंगल, मंगल जहां नाम आ जाता है वहां पर हनुमान जी आते हैं। और आज आपको एक बहुत बड़ा भेद भी बताऊंगा जो ज्योतिष में ही बताया गया है बेटा, कि मंगल, मंगल जब अच्छे हैं तो ये एक तरह के सारे राशि सुख देने वाले हैं, मेहनत के बलबूते दो लोगों का दिल जीतने वाले हैं। और मंगल अगर अच्छे तो अपनों का ख्याल रखना, उनके लिए सब कुछ करना, अगर हमारे साथ में कुछ अपने रिश्तेदार, जानकार, हमारे भाई बहन, अगर उनमें कोई सक्षम भी नहीं है तो उनकी भी मदद करके उनको जिंदगी के अंदर चलाना। जो कई लोग आपने जिंदगी के अंदर देखे होंगे कि वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, वो हमेशा दूसरों का मन रखते हैं। सामने वाला गलत बोल जाए या गलत कर भी जाए, वो अपनी वाणी का संयम नहीं खोते, समझे? और वो सही वक्त का इंतजार करते हैं किसी को नसीहत देने के लिए भी, जो कि मारकुटाई से संबंधित नहीं, सिर्फ उसको समझाने के लिहाज से। इन सब लोगों के मंगल बहुत अच्छे होते हैं। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी देखा होगा, बड़े बड़े अफसरों को देखा होगा, वो क्या है, वो सुनते ज्यादा है और पूरी बात सुनने में भले ही चार दिन लगा दे, लेकिन जब उन्होंने ऑर्डर देके करवाना शुरू करना है ना, तो तब वो देर नहीं करते, तब तो अभी ऑर्डर दिया है, अभी होना चाहिए और उसके लिए लग जाओ। ठीक है। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरह के देखे होंगे कि इधर से कोई शिकायत आके लगाता है, उधर से कोई आके शिकायत लगाता है, वो सबको बस एक ही बात कह के भेज देते हैं, अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूं, अच्छा चल जैसा तो कह रहा ना वैसे ही होगा, लेकिन करते अपनी मनमर्जी है, क्योंकि उनको पता होता कि सही होना क्या है, क्योंकि धैर्य, धैर्य से डेवलप हुई अक्ल, ये भी परमात्मा हर किसी को नहीं देता, मंगल हर किसी का अच्छा नहीं होता, समझिए? तो ये सारे गुण तो वही हैं जो हनुमान जी के पास थे, कि समय के ऊपर अगर कोई विपत्ति पड़ी तो वो स्वयं विवेक से डिसीजन लेते थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसमें चाहे शारीरिक पराक्रम दिखाने की बात हो, सोच विचार की बात हो, किसी के साथ वाक्पटुता की बात हो, या किसी का आदर करना हो,
तो ये हनुमान जी के ही गुण थे जो आप सब लोग जानते हो। और इसी तरह के गुण जब किसी इंसान में होते हैं तो बेटा उसका जीवन बहुत खुशहाल होता है। और मंगल अच्छे वाले की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो जिंदगी में कभी किसी से जेलस नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, समझिए। और ऐसा इंसान एक तरह का स्वयं निर्मित होता है, यानी कि खुद की मेहनत करके अपने आप को दुनिया के अंदर साबित करने वाला और हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाला, ठीक है। ये मंगल के अच्छे गुण। लेकिन आज एक बहुत बड़ा भेद खोलता हूं कि मंगल जब बद होते हैं, खराब होते हैं, तो क्या करते हैं हम? आए दिन भूतों प्रेतों की बातें करते हैं, तो ये भूत प्रेत किस ग्रह से कंसर्न है, कभी सोचा आपने? हर उस इंसान का जिसके पास में ये आए दिन ये बातें हम सुनने को मिलती है कि भूत प्रेत लग गया या कुछ इस तरह का हो गया, सही मायने में इनका मंगल खराब होता है। और जिसका मंगल खराब हो बेटा और बहुत ज्यादा बद और खराबी के ऊपर आ जाए, ऊपर से चौराहे के घर का साथ हो जाए, ये चौराहे से गुजरना आम हो, समझे। और बहुत सारे लोगों को आपने ये भी कई कहानियों के अंदर किस्सों में सुना होगा कि दोपहर के वक्त में कोई कहीं से गुजर रहा था तो उसके साथ में ये जिन हो गया, ये भूत हो गया। बेटा जिसका मंगल खराब होता है उन्हीं को ये जिन भूत चिपटते, उन्हीं के लिए ये खराबी के हालात बनते। फिर यम, यम ये किस ग्रह से, यानी कि जो कहते हैं ना कि इंसान की जब मौत आती है उसे यम लेने आते हैं, यमदूत भी बोलते हैं, बेटा ये किस ग्रह से कंसर्न है? लाल किताब के अंदर खराब मंगल बद मंगल को ही यम का रूप कहा गया है। और अगर कहीं जन्म कुंडली के अंदर वहां रहने वाले किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो, खराब हो, तो सच में ऐसे हालात बनते हैं कि आप इसे हवा कह लो, आप इसे एनर्जी कह लो, आप इसे भूत प्रेत कह लो, कुछ भी कह लो बेटा, समझिए, ये डिसबैलेंस होकर के उस इंसान की बुद्धि के ऊपर ही इम्पैक्ट ऐसा डालती है जिसमें गुस्सा, लड़ाई, सोच का भ्रम, समझिए, जेलस भावना, नजर लगना, ये सब कुछ ऐसे इंसान की, मैं तो यही कहूंगा कि उसी के गुण बन जाते हैं जो कि अवगुण है या अपने आप ही होता है। और जहां अचानक एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, अचानक शारीरिक चोटें लगती हैं, समझे, शरीर फटता है, खून निकलता है, ये खराब मंगल के ही रीजंस होते हैं, समझे। लेकिन जिसके अंदर इम्यूनिटी की ये कमी हो जाती है और मंगल के अंदर यानी कि खून के अंदर को ही वो खराब कर रही होती है, इन लोगों को बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती हैं, समझे, ये भी मंगल की खराबी है। जिनका होमोग्लोबिन बेहद कम रहता है बेटा, इन लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत रहता है, धैर्य नहीं होता, सहन शक्ति नहीं होती, और किसी भी बात के ऊपर ज्यादा देर तक अडिग रहना काम की बात के ऊपर तो होता नहीं, लेकिन अनलॉजिकल जो पकड़ी हुई बात या किसी के अंदर निकाली हुई जो कमी, उसको पकड़ के सालों साल खींचना, उसके पीछे का कारण जानते हैं आप? उसके पीछे का कारण ये होता है कि वो सामने वाला ये जान चुका होता है कि ये सामने वाला जिससे वो जेलस का है कि ये मेरे से ज्यादा काबिल है, क्योंकि वो अपने आप को अब भविष्य में ये मान लेता है कि मैं साबित नहीं कर सकता कि मैं इससे बेस्ट हो सकता हूं, बस उसके अंदर कमियां निकाल निकाल के उसको कसूरवार बनाना उसने, ये रीजन होता है जेलस का, समझिए। और मंगल जब बुरा होता है, ना बच्चा टिक्के पढ़ पाता है, ना टिक्के कुछ सीख पाता है, ना ही किसी काम के ऊपर उसका मन लगता है, माहौल के अंदर उसको कमियां नजर आती है, कैसी कमियां, छोटी छोटी, कि ये बच्चा पागल गिर जाएगा तेरे को नजर नहीं आता क्या, उसके ऊपर भी टोकना है, समझिए, ये कपड़ा कैसा है, ये खराब है, इसको सिल्वर पड़े हुए मैं ऐसा नहीं पहन सकता, ये ब्रांडेड कपड़ा बेशक है लेकिन ये रेशमी सा लग रहा है, मेरे शरीर को चुभता है, समझिए। फिर उसके बाद खाना भी खाने अगर बैठना है तो वहां भी कमियां निकालनी, तेरे को नहीं पता कि मैं इतनी मिर्च नहीं लेता, और कोई कहता तेरे को नहीं लगता कि मैं इतना कम नमक नहीं लेता, समझे। ये जो छोटी 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 की रोज चिंचड़ी बेटा, इसको मंगल बद बोलते हैं, इसको मंगल खराब बोलते हैं। और ये मंगल जब खराब होता है, कहते घर की मन की सारी सुख शांति को बर्बाद कर देता है। जिनका मंगल खराब होता है उनकी शादी तय होने के दिन से ही एक तरह का बुरा समय शुरू हो जाता है, और जिस दिन शादी होती है
उसके बाद घर में या तो क्लेश होते हैं या कोई बुरी खबर होती है या हालात किसी न किसी तरह से कमाई के भी बिगड़ते चले जाते हैं। मानते हम सुखों के कारक शनिदेव है, लेकिन सुख को पैदा करने के लिए जो मेहनत लगती है वो तो मंगलदेव की होती है, इसलिए मंगल शनि कहीं अलग नहीं है। इसीलिए यम का रूप कहा गया तो मंगल पद को, नजर टोक जो कि शनि से उतारी जाती है लेकिन मंगल, ठीक है, और किसी भी तरह की भूत प्रेत जिनकी अगर बात करें तो मंगल, क्योंकि जब मंगल पद होता है ना बेटा, उससे बड़ा भूत हमारे घर में कोई नहीं होता, क्योंकि उसका काम ही लड़ना भिड़ना कमी निकालना मनमर्जी करना मार पिटाई करना आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट करवा के आना कहीं ना कहीं से चोट खा के आना या चोट मार के आना, सब कुछ ही तो मंगल करते हैं, समझ गए। और ये मंगल जिसके अच्छे सेल्फ मेड रईस पैसा बहुत अच्छा, और ये मंगल जिसके खराब उसकी मेहनत में ही कमी, वो उसको अब बहुत सारी दुनिया है जिनका साबित ही नहीं होता कई बार कि मंगल पद है, अब वो कैसे होता है मंगल खराब है, ठीक है, वो क्या है एक काम पे लगाव लगे रहेंगे करते रहेंगे लेकिन काम को पूरा करने में या तो दिक्कत और या फिर सोच समझ के नहीं करेंगे, और रोज काम तो करके आएंगे लेकिन माहौल में कमी साथ में निकाल के आएंगे, समझे, उसने मेरे बारे में नहीं देखा, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा इतने साल से मैं ये कर रहा हूं, उसने ये नहीं कहा ये, खुद तो वो ऐश लेते हैं, उनको तो वो भी प्रमोशन मिल गया, उनको वो भी चीज मिल गई, ये सारी बस चीजें ये जो बातें करते रहते हैं बेटा इनका मंगल खराब होता है, समझे। और सबसे बड़ी बात, मंगल अगर खराबी पे आ गया तो ये जीवन के किसी भी पड़ाव के ऊपर ये शरीर के जितने ऑर्गन है उनमें से किसी को भी खराब कर सकता है, क्योंकि ये खून से संबंधित चीज है, उसकी पाचन क्रिया खराब होती है, उसकी फिल्टर क्रिया खराब होती है, समझिए किडनी फिल्टर करती है और लीवर पचाता भी, ठीक है, और ये सारी चीजें मंगल से ही कंसर्न है। और ज्यादातर हॉस्पिटलों के अंदर जो लोग हैं बेटा उसमें मंगल और शनि के खराब के लोग ही ज्यादा जाते हैं हॉस्पिटलों में, क्योंकि वही गहरी बीमारियां रहती हैं, समझ गए। और ये एक दूसरे को काटने के लिए इन दोनों का सहारा लेना भी बहुत जरूरी है, ये भी बात सत्य है। अब मंगल जिनके खराब होते हैं जिनकी इस तरह की नेचर भी हो और खासतौर पर आंखें अपने आप बिना किसी चोट के अगर कमजोर हो रही हैं तो ये भी मंगल खराबी की निशानी है। जिन लोगों का पेट निकल आता है और पेट के अंदर दर्द गैस एसिडिटी कब्ज वगैरह ये सारी प्रॉब्लमें आती हैं मंगल खराब होता है, समझे। जिनको और भी गुप्तांग से संबंधित बीमारियां आती हैं मंगल खराब होता है, यानी कि मंगल ने बहुत बड़ा साम्राज्य घेर रखा है हमारे सुखों का, समझे। अब उसकी मर्जी होती है, अगर ये बुरा हुआ तो वो दुख देगा और अच्छा हुआ तो सुख देगा, समझे। इसी में ही क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही खून की मात्रा ज्यादा है, समझे, हर हिस्से में खून है, तो इसीलिए मंगल का अच्छा रखना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे शरीर के अंदर हर हिस्से का खून का पहुंचना, समझे। और मंगल को अगर अच्छा रखा तो हमारे जीवन में सुख ही सुख बरसेगा, मंगल अच्छा नहीं रहा तो बेटा दुख ही दुख बरसेगा। आज आपको एक बात बताता हूं जो मैंने अक्सर कई बार अपने एपिसोडों में बताया है कि अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो माफ करने की प्रवृत्ति अपना लो, चाहे तुम्हारे भाई बहन हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे पड़ोसी हो, या जहां तुम काम करते हो वहां पर चाहे सीनियर हो जूनियर हो या साथ के कोई हो, जो इंसान माफ करने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाके इस मंगल को अच्छा कर लेता है वो जिंदगी में अपने टारगेट जरूर अचीव कर लेगा और जिंदगी के अंदर बीमारियों से बचता हुआ एक स्वस्थ और अच्छी जिंदगी जरूर बिताएगा। जिस भी इंसान में माफ करने की प्रवृत्ति नहीं है उसको बीमारियां जीवन के अंदर जल्दी घेर लेती हैं, ऐसा इंसान अपने किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता, ऐसे इंसान को जिंदगी के अंदर हर कोई बुरा भी लगता है और उसको ऐसा ही लगता है कि हर कोई उसका रास्ता काट के उसके ऊपर पांव रख के आगे जा रहा है,
वो सिर्फ कमियां निकालने में अपने दिमाग को व्यस्त रखता है, अपनी काबिलियत के लिए तो वो काम ही नहीं कर पाता। इसीलिए बेटा अच्छा यही है कि जो भी हो निकालने में अपने दिमाग को व्यस्त रखता है, अपनी काबिलियत के लिए तो वो काम ही नहीं कर पाता। इसीलिए बेटा अच्छा यही है कि जो भी हो दूसरे का कर्म समझ के उसे माफ कर दो, उसे ये अपनी इज्जत के साथ मत जोड़ो, ईगो मत नहीं करके आओ, उसका कर्म समझ के उसको माफ करते जाओ और ये कहते जाओ कि जो इसकी किस्मत में होगा परमात्मा इसको देगा, छोड़ ये कर गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने काम की तरफ ध्यान देता हूं। ऐसे इंसान लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं, लंबी लंबी उम्र तक अपनी कमाई अपने हालात को हमेशा अच्छे रखते हैं, अपने परिवार को अच्छा रखते हैं, अपनी रिश्तेदारी को अच्छा रखते हैं, क्योंकि ये जब माफ करने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो बेटा इनको किसी से कोई गिला ही नहीं होता। अगर थोड़ी देर की नाराजगी हुई उसे माफ किया, थोड़े दिनों बाद फिर नॉर्मल माहौल हुआ, जब भी कोई काम पड़ा उसके पास से ले लिया, समझे, ये सबसे बड़ी पूंजी बनती है इन लोगों की। और जो लोग ये कहते हैं ना हमने इससे कोई लेके खाना है, बस समझ लो फंस गए, समझ लो मंगल खराब हो गया, ठीक है। और मंगल जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का कर्म, चाहे वो मेहनत का, चाहे वो ज्ञान का और चाहे वो धैर्य का, बेटा ये मंगल ही देता है, समझे। और मंगल की खराबी बेटा तब बहुत बढ़ जाती है जब किसी की कुंडली में मान लो खराब मंगल है और मंगल की खराबी आने वाली है, तो अब क्या है वास्तु भी उसमें बहुत मायने रखता है। मंगल खराब वाला अगर आग जलाने का कोई धंधा करे, हीटर जला करके कोई धंधा करे, या घर के अंदर तंदूरी लगा ले रोटियां पकाने के लिए, जो शौकिया तौर पे कभी कभार लगा देते हैं, तो बहुत बड़ी तबाही देता है मंगल। उसके बाद में जिनका मंगल खराब हो, उनके घर के अंदर नीम का पेड़ हो, बेटा उनके घर में कलेश और बीमारी आम ही होती है, समझे। जिनके घर के सामने कोई ग्राउंड वगैरह ऐसा हो या खाली प्लॉट वगैरह ऐसा हो जिनके अंदर धूल उड़ती है, घास फूस नहीं लगा हुआ, समझे, या गंदगी पड़ी रहती है, वहां मंगल बहुत ही बुरा फल देता है। इसीलिए अब आपको अगर नहीं भी पता कि आपका मंगल अच्छा है या बुरा है, आपके घर के सामने अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है ना जिसमें धूल उड़ती है या पार्क है, बेटा 2-4 हजार रुपया खर्च करके किसी माली से वहां घास लगवा दो, पानी तो आप दे ही सकते हैं, इससे भी मंगल को अच्छा किया जा सकता है। और ये मंगल सबसे बड़ी बात है, इसके गुण क्या है, मंगल जब अच्छा होता है ना इंसान अपने दोस्तों को बड़ा सहेज सहेज के रखता है। मंगल अच्छे वाले में शुरुआत से ही कल्पना शक्ति समझने की शक्ति अच्छी होने के कारण बेटा वो सामने वाले को बच्चे की तरह टैकल करके, कभी डांट के कभी प्यार से उनको टैकल कर करके अपने दोस्त ज्यादा बढ़ाता चला जाता है और उनकी हर जरूरत में हर तकलीफ में काम आता है, समझे। लेकिन मंगल खराब वाला उसको सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं कोई काम ना बता दे, और वो अगर किसी के पास बैठा होगा और सामने वाला कोई मजबूरी भी बता रहा होगा कि उसको ये जरूरत है ये जरूरत है उसको ये तकलीफ हो रही है, वो उसको झूठी सी हल्के मुंह से सांत्वना देके घर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि अच्छा तेरा काम ये मैं कर देता हूं, समझे, भले ही उसके बस का भी। पर ये मंगल अगर इसको आपने अच्छा नहीं किया, अगर ये जन्म कुंडली के अंदर खराब किया, तो बेटा फिर वही बात कि ऐसे लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, परमात्मा भी उनको देता है जो नाकाबिल होते हैं, हम देखो कितनी मेहनत करते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता। रियलिटी में आप ही का कर्म, आपकी की सोच आपकी दुश्मन है जो आपको तरक्की नहीं होने देती। आपको ये सोच अपना कर्म बदलना पड़ेगा, दूसरों के काम आना पड़ेगा, दोस्त बनाने पड़ेंगे और जेलस भावना को छोड़ना पड़ेगा, तब कुदरत साथ देगी, वैसे नहीं साथ देगी। और अब मंगल अगर खराब हो जाए, इसका लाल किताब के अंदर सबसे उत्तम उपाय वो ये कि चांदी तन पे धारण करो, चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखो, 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी मिलाकर के अपने रिंग फिंगर के अंदर धारण करो, और हर मंगलवार को आटे में गुड़ की चाशनी बना करके, गुड़ की चाशनी में ही आटा गूंदना है, और इतना ही आटा गूंदना है जिससे कि 8 पेड़े बन सके, क्योंकि जब ये रोटी बनानी तो बेटा आप स्वयं नहीं खा सकते,
तो उसको या तो तंदूर में लगवाओ, तंदूर में लगवा के वो कुत्ते और कौओं को डाल दो, और या फिर घर पे मिट्टी का तवा लेके उसके रहो, जैसे तंदूर में एक ही तरफ रोटी सिकती है वैसे ही तवे के ऊपर एक ही तरफ रोटी सिक दो, ठीक है, और वो उठा करके पक्षियों को कुत्तों को वो डालो खाने को, ठीक है। इससे मंगल धीरे धीरे करके अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। अगर मंगल खराब है पता चल जाए तो बेटा किसी भी सूरत में घर में ज्यादा तले हुए खाने और ओवन और साथ में तंदूर में जो सिककर के बनते हैं खाने, जो दूर से सेक लग के बनते बेटा, इन खानों से भी परहेज करो, ज्यादा उत्तम रहेगा। और मंगल की खराबी हो, जितना मीठा दान करोगे जिंदगी में सुख उतने मिलेंगे, जितने तीखे तीखे खाने से दूर रहोगे उतने ही अच्छे रहोगे, समझे। तो बेटा ये दोनों ही कर्म करके चलेंगे। और मंगल खराब वाले को ठीक है हनुमान जी की भक्ति नहीं, लेकिन वहां भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए, जैसे नमः शिवाय का जाप, ओम रुद्राय नमः इसका जाप। बेटा वो जितना चंद्र की शरण में यानी कि भोलेनाथ की शरण में जाएगा, तो ये रुद्र अवतारी तो हैं हनुमान जी, तो जड़ को अच्छा करो, समझे। इसीलिए भोलेनाथ की कहानियों का अनुसरण करना, उनके जो बताए हुए रास्ते उनका अनुसरण करना, उनका जाप करना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, समझे, ये करते चले जाओ, और ये हनुमान जी यानी कि मंगल आपके लिए अच्छे कर्म का पूरी तरह से रास्ता खोल देंगे। और एक बात याद रखना बेटा, जो भी अपने भाई में कमी निकालेगा, जो भी अपने भाई से किसी लालचवश कोई लड़ाई करेगा, जो भी इंसान अपने भाई के साथ मिलके नहीं चलेगा, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा बेटा, उसका जिंदगी के अंदर ये मंगल भला कभी नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को कोई असाध्य रोग होना और बड़ी उम्र में जाकर के पैसे से खराब होना और बाद में बच्चों के सुखों में भी दिक्कत आना, ऐसे ही लोगों को आती है बेटा। इसीलिए अपने इन भाई के रिश्तों को, अपने दोस्त के रिश्ते को संभाल के रखिए, मंगल मतलब ही नहीं कभी आपको बुरा फल मिल जाए। एसोसिएट स्पॉन्सर सेम गोविंद जिब्रॉक सीलिंग नहीं फीलिंग है और अल्ट्राटेक सीमेंट है। हमारे साथ शीला शुक्ला जुड़ी हुई है नई दिल्ली से। शीला जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम शीला शुक्ला है। मैं अपने बेटे आदित्य शुक्ला के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19/8/93 5:12 शाम को दिल्ली का है। 3 दिसंबर 2016 एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर घुटने के नीचे से चले गए हैं। मैं उसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित हूँ, बाद उसका भविष्य कैसे होगा। बेटा आज कुदरती तौर पे अगर हम मंगल की बात कर रहे हैं तो ये कुंडली भी उसी प्रभाव के कारण आई है, नजर आई। 2017 से पहले पहले का जो समय था ये मंगल की बेहद खराबी का समय चल रहा था, बाद में भी है लेकिन उससे पहले बहुत चला था। और जब भी लगन के अंदर शनिदेव बैठते हैं और इनकी टक्कर मंगल को चली जाए तो कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, घर की मन की सुख शांति खराब होती है। फिर ऊपर से एक और योग लाभ स्थान का राहु, जो ये चाहता ही नहीं था कि इसको लिखाई पढ़ाई और कर्म का पूरी तरह से लाभ मिले, उसने साथ में ऐसा दे दिया। और ये जब तुमने कहा कि इसके पांव कटे, बेटा उससे पहले आप लोगों ने या तो मकान बनाया होगा या रेनोवेशन की होगी या मकान बना बनाया लेकर के कुछ ना कुछ शिफ्ट किया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। और ये बात अगर आपको पहले पता होती कि आप ऐसा कुछ करोगे तो इस तरह की समस्या घटित हो सकती, तो शायद ये दिन ना होता, क्योंकि ग्रहों को बदला जा सकता है, उनके असर को कम किया जा सकता है। और जब बुरे ग्रह के असर को हम कम कर जाते हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हमारे जीवन के अंदर नहीं होती, होती है वो छोटी छोटी में निकल जाता है, समझ गए। तो इस कारण से इस बच्चे के ये हालात बने। अब भी जब तक बेटा इस टकराव को तुम हटा नहीं देते और हर साल इसके उपाय को अगर चालू रखते हो तो बेटा इसका जीवन बहुत उत्तम जाएगा, क्योंकि भाग्य
जब तक बेटा इस टकराव को तुम हटा नहीं देते और हर साल इसके उपाय को अगर चालू रखते हो तो बेटा इसका जीवन बहुत उत्तम जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति इसके भाग को चोट नहीं पड़ने देगा, लगन का शनि इसको कर्म में बना करके रखेगा और इसके पास से ऐसे काम करवाएगा कि जिससे ये अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चलाए, अपनी दिनचर्याओं को बहुत अच्छा रखे और इवन गृहस्थी के सुख भी भोगे, नहीं तो इसकी कुंडली में गृहस्थी का सुख नहीं है। okay? अब वो उपाय क्या है, यहां पर सबसे पहले हर साल इसके जन्मदिन के बाद में 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से एक चीज दान जरूर देनी है, समझे, 9 दिन लगातार ये हर साल करना है। और दूसरा इसका उपाय, 4 नारियल पूजा वाले लेकर उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा के हर साल जन्मदिन के आसपास ही उसको जल प्रवाह करना है। और तीसरा उपाय 43 दिन लगातार दूध के अंदर शहद मिला के उसे मंदिर के अंदर देना है और फिर 43 हफ्ते दूध के अंदर हलवा बना करके मंदिर चढ़ा करके वो बांटना है। जब तक बेटा ये वाले उपाय नहीं हो जाते तब तक इसकी जीवन जो है वो समस्याओं से घिरा रहेगा, घर की मन की सुख शांति खराब रहेगी, घर के अंदर पेरेंट्स द्वारा इसके अपनों द्वारा कमाई हुई समृद्धि के योग तो लिखे हैं, लेकिन अपने आप कमा करके वहां तक पहुंचना और बिना किसी लड़ाई झगड़े के और तकलीफों के साथ में वहां तक पहुंचना वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटा ये उपाय इसके लिए बेहद जरूरी है और मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूंगा बेटा कि इसके उपायों को इनको मत छोड़ना, वरना ये जो जीवन है वो बड़ी अस्थिरता भरा लिखा हुआ है। और इसको करो, इसके करने के बाद परमात्मा पूरा साथ देगा और जीवन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां इस बच्चे की तरफ से आएंगी। लेकिन ध्यान ये रखना, भविष्य में जब भी मकान बनेगा, रेनोवेशन होगी बेटा, तब तब इसके जीवन के अंदर कोई ना कोई दुविधा वाले हालात, खतरे वाले हालात वो आके खड़े होंगे। तो इसीलिए जब भी बनाना हो, रिपेयर करना हो, पहले कहीं से कंसल्ट करके इसके उपाय करके फिर उस तरह बढ़ना, वरना इसको शनि और मंगल मिलकर के ही तकलीफें देने के ऊपर तुले होंगे। तो उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, आज हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो तमाम दर्शकों का यही सवाल होगा कि जिनकी शादी हो गई है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं उसका कारण मंगल तो नहीं है? बेटा, शादी मंगल कार्य, शादी सही शक्ति, शादी के अंदर जितनी प्रयोग होने वाली चीजें, तुमने देखा होगा कि लाल रंग को ही तवज्जो देते हैं। दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है, लाल चूड़ियां पहनाई जाती है, लाल सिंदूर लगाया जाता है, लिपस्टिक बिंदु वो लाल है, समझे, नेल पॉलिश वो लाल है। वो लाल का विधान ही इसलिए बना है, या कहो कि कुदरती तौर पर यह अच्छा ही इसलिए लगता है औरतों को, क्योंकि ये मंगल का कर्म है। जब हम फेरे भी करवाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करवा के उसके फेरे करवाते हैं, तो वो क्या है, वो भी मंगल, हम मंगल के ही साक्षी रख के तब ये सब कुछ करते हैं। घर के अंदर खुशियां, ढोल नगाड़े बजाना, नाच कूद करना, बेटा ये क्या, ये भी मंगल, समझ गए। तो बेटा शादीशुदा जिंदगी का आधार होता ही मंगल है, और इसीलिए ये भी चेक किया जाता है कि कहीं ये मांगलिक तो नहीं। वो मांगलिक क्या है, मांगलिक शब्द कहां से आया, वो घरों में जहां पर कि मंगल सीधा सीधा हमारी कमाई और हमारे जीवन साथी को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करता है, जीवन साथी वाले रिश्ते को जहां प्रभावित करता है बेटा, उन घरों में ना हो, ये खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जिनका मंगल ऐसे घरों में हो तो उसको जीवन साथी भी वैसा ही दिया जाता है कि ये भी मांगलिक ले। कारण ये है बेटा कि दो पत्थरों को आपस में टकराओगे तो सिर्फ चिंगारी तो निकलेगी, पत्थर नहीं टूटेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से बनती है। इसीलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मांगलिक में जितनी आग होती है, गुस्सा होता है, उतनी धैर्य भी होता है, ये भी बात सच है, ठीक है। तो इसीलिए शादीशुदा जिंदगी का जो आधार है वो तो है ही मंगल है, और मंगल अगर किसी भी तरह से जन्म कुंडली के अंदर खराब घरों में या खराब अवस्था में हो गया, आप देखोगे पढ़े लिखे टैलेंटेड बच्चे
बेटा उम्र पे उम्र निकलती चली जाती है लेकिन शादी नहीं होती। वो लोग जिनकी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी शादी हो जाती है मंगल की खराबी के कारण, वो बात अलग है कि उसके अंदर दूसरे ग्रह भी जिम्मेवार होते हैं लेकिन इस तरह के हालात बनते हैं। मंगल जिनके खराब हो गए, मियां बीबी तो वो होते हैं लेकिन कई बार किसी एक जीवन साथी का संबंध कहीं और होता है, ये भी मंगल की खराबी, क्योंकि मंगल को तो बहाना चाहिए, समझे, किसी ना किसी रूप में इस मंगल कार्य को, इस मंगल गृहस्थी को खराब करने का, ठीक है। मंगल जिनके अच्छे उनके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उनकी गृहस्थियां भी अच्छी, सह शक्ति भी अच्छी, आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। लेकिन जितनी ये खराबियां मंगल कार्य में होती है, आप कई लोगों को आपने देखा होगा उनके घर में वो कहते हैं हमें खुशी नहीं रास आती है, हम तो अगर बर्थडे भी मनाएं तो अगले दिन कोई पंगा पड़ जाता है, जागरण कराए तो पंगा पड़ जाता है, शादी हो जाए तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल होता है, समझे। ये मंगल की ही खराबियां हो गया और ये मंगल की खराबियों को दुरुस्त करने के लिए लाल किताब के अंदर बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए गए बेटा, और इनको अगर आप करके चलते हो तो शादीशुदा जिंदगी में आने वाली विघ्न बाधा वो सब दूर होती है। अगर ये करके चलते हो तो घर के अंदर कलेश नहीं होते, घर के अंदर बीमारियां नहीं आती, और ये मंगल के उपाय अगर आप करके चलोगे तो सदा ही समय पे शादी होगी और गृहस्थ के बहुत आराम मिलेंगे। और वो क्या है, आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ कन्या पूजन भी होता है तो हमारे यहाँ हलवा और काले चने का विधान है, समझे, ये पूजन में लगाया भी जाता है, खाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, समझे। अब हलवा क्या है, हलवा बनता है सूजी का, सूजी किस ग्रह से कंसर्न होती है, बुध से। देसी घी का बनता है, किस से कंसर्न है, चंद्रमा आ गया साथ में, ठीक है। मीठा डाला जाता है, किससे कंसर्न हो गया, मंगल से, समझे। तो पहले तो तीनों ग्रहों का मिश्रण हलवा बन गया, क्योंकि मंगल, मंगल तभी कारगर है अगर बुध अच्छा हो, अगर बुध खराब तो मंगल भी खराब, क्योंकि जिसकी बुद्धि नहीं है उसकी ताकत जहां लगेगी कोई ना कोई खराबी पैदा करेगी, ठीक है। और इसीलिए चंद्रमा, चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो भी मंगल खराब, क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर धैर्य ज्ञान वो कहां से आएगा, वो तो चंद्रमा ही देंगे ना साथ में, ठीक है। इसीलिए जो भी इंसान जरूरी नवरात्रे, नवरात्रों के अंदर तो आप हलवा पूरी और साथ में काले चने देते ही हैं, समझे, लेकिन अगर आगे पीछे भी आप देसी घी का हलवा बना करके मंदिर में चढ़ा करके अगर प्रसाद के रूप में वितरित करते रहते हैं ना बेटा, तो ये बहुत ही उत्तम है। मंगल खराब हो तो शनिवार को काले चने का भी दान करना चाहिए, जो सरसों के तेल के अंदर भून के बनाते हैं, समझे, तो और लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो सरसों के तेल में लोहे की कढ़ाई में बना करके शनिवार को चने का दान, काले चने का, और मंगलवार को, बुधवार को या किसी भी सोमवार को, किसी भी आध्यात्मिक दिनों पे देसी घी का हलवा बना करके मंदिर में चढ़ा करके बांटने का विधान अपने जीवन में डाल लीजिए। बुध, चंद्र, मंगल, शनि चारों ग्रह अच्छे हो जाएंगे, और कोई कन्या पूजन का मौका मत अपने हाथ से जाने दो। और हर बार जब भी आपने कन्या पूजन अपने घर पे करना, चलो आप सारे व्रत नहीं कर सकते, मत करिए, आखिरी के दो व्रत, ठीक है, सप्तमी, अष्टमी, अष्टमी, नौमी, कुछ भी करिए, ये करके जब आप अपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम करके, कहने का मतलब जब व्रत रखा होता है तो बेटा जो ब्लड प्रेशर है वो स्थिर हो जाता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है, उसको स्थिर करके जब आप कन्या पूजन करके जब ये चीज आप दान करोगे तो उस वक्त में मंगल की खराब ऊर्जा आपके पास से दूर होकर के एक पॉजिटिव वाली, जो कम होगी लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा आपके अगर पास रह जाएगी, जो आपको धैर्य संयम देगी, काम करने की ताकत देगी, गृहस्थी को अच्छे चलाने की दिक्कत जो कवायद वो देगी, हर तरह की अच्छी सोच देगी। लेकिन अगर हर मंगल कार्य के बाद में घर में बुरी खबर आती हो, क्लेश होता हो, या किसी को बीमारी आती हो, या कोई तकलीफ हो जाती हो, तो वही उपाय गुड़ की रोटी का जो मैंने आपको बताया है, कि गुड़ की रोटी समझे तंदूर में लगवा के बेटा उसे कुत्ते और कौओं को डालना, और ऐसे इंसान को दूध और शहद ये मिक्स करके अभिषेक जो शिवलिंग का वो जरूर करना चाहिए।
तो इसका दिन आप सोमवार मंगलवार कोई भी चुन लीजिए और उस दिन आप शिवलिंग का ये अभिषेक जरूर करिए और देखिए इसके बाद मंगल कैसे कैसे अच्छे कर्म आपके घर में करता है, ऐसे कैसी कैसी खुशखबरियां देता है। आप वाकई में अपने आप को मंगलमय और खुश नसीब समझेंगे इन उपाय का। दाता खुश रहे। गुरुदेव आज के एपिसोड में हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आज का खास गुरु मंत्र मंगल से जुड़ा हुआ आप दे दीजिए। हाँ बेटा, आज अगर मंगल की बात हो रही है तो मंगल का ही गुरु मंत्र चलेगा ना, जिससे खुशियां, समृद्धि, धैर्य, स्वास्थ्य ये सब कुछ मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है बेटा? कोई भी एक अकेला सर्व नहीं बन सकता, यानी सब कुछ नहीं बन सकता। अगर ये हमारा पूरा शरीर बना है तो वो लगभग 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह इनसे मिलकर के ही बना है, समझिए। अब ऐसी अवस्था में मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अकेला ही सब कुछ नहीं होता, अगर इसके मित्र इसके साथ हो तो ये सब कुछ होता है, सब कुछ करता है। और मंगल को सारी जिंदगी अगर आपने अच्छा रख लिया तो समझ लो जिंदगी के अंदर वारे ले रहे। इसीलिए हमारे यहां मंगलवार के दिन दाढ़ी शेव ना बनाना, मंगलवार के दिन खास तौर पे सात्विक रहना, इवन यहां तक भी हमारे यहां पर ये माना जाता है कि मंगलवार के दिन अगर हम गृहस्थी के भोग ना भोगें तो ज्यादा उत्तम है। समझे, मंगलवार के दिन कपड़े ना धोना, मंगलवार के दिन और पूजा पाठ का स्पेशली रखना, और खास तौर पे सुबह के वक्त में जाकर के हनुमान जी को भोग लगा करके स्वयं भी प्रसाद के रूप में मीठा ग्रहण करना और दूसरों को भी देना। लोग शाम को भी सुबह भी ये प्रसाद चढ़ाते हैं। समझे, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, जो दाढ़ी मूछ ना बनाना, यानी कि ये शनि का कर्म है, उस दिन हमने मंगल को स्वच्छ रखना है तो शनि को पास में नहीं आने देना, इसलिए दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी। उस दिन कपड़े ना धोना, जितने भी हम सर्फ लगा लें या किसी भी तरह के साबुन लगा लें उन सब के अंदर बेटा शनि की ही वस्तुएं होती हैं, और कास्टिक सोडा वगैरह होते हैं, चर्बी भी होती है, समझ गए, और उसका जो वो जो घोल है जिससे कि ये झाग वगैरह बनती है बेटा, ये सब शनि की ही कर्म है, समझे। तो शनि से इनको दूर रखा जाता है, क्योंकि जहां शनि होता है वहां बीमारी होती है, इम्यूनिटी में कमी होती है, एक फंसी हुई मानसिकता होती है। तो उस दिन को यानी कि मंगलवार के दिन को ही अगर सात्विक रख के चलते हैं तो इससे भी मंगल बहुत अच्छा होता है। और मंगलवार के दिन का जो व्रत होता है, जिसके अंदर भी धैर्य नहीं है, जो जल्दी कुपित हो जाता है, जिसको गुस्सा जल्दी आता है, जिसको बात नहीं समझ आती या किसी काम के ऊपर टिक नहीं पाता, इन सबको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए, वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। एक ये, और दूसरी बात मैं एक वो उपाय बताता हूं ना, बड़ के पेड़ पर दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, तो वो भी एक तरह का अगर देखा जाए, बड़ का पेड़ बेटा सूर्य, चंद्रमा पानी वो चंद्रमा, ठीक है, यानी सभी दूध और पानी चंद्रमा, उसके अंदर 2 दाने चीनी के मैं डालने को कहता हूं तो मंगल का उसमें हम मिश्रण करते हैं। तो सूर्य, चंद्र और मंगल, हम जब इन तीनों को एक जगह डालते हैं, इसमें चंद्र का योगदान इसलिए क्योंकि खून पानी से ही बनता है, ठीक है, जब हम बड़ के पेड़ पे चढ़ाते हैं तो बड़ का पेड़ गर्म होता है, उसके ऊपर जैसे ही ये पानी पड़ता है तो जल वाष्प होता है, और वो जो वाष्प हुआ हुआ पानी अगर थोड़ी सी बूंद भी आपके नथनों के अंदर चलेगी ना बेटा, तो वो एक तरह का आपके लिए दवाई का काम करता है, आपके लिए औषधि बनता है, समझे। और उससे एक अलग ही सोच धैर्य वाली वो डेवलप होती है, इम्यूनिटी वाली सोच डेवलप होती है, और उससे इंसान स्वस्थ भी रहता है और धैर्य से अपने कामों को सफल भी करता है, ठीक है। तो ये सूर्य, चंद्र और मंगल का ये मिश्रित उपाय है, और मंगल को अच्छा करने के लिए तो बड़ के पेड़ पे दूध पानी चढ़ाना भी मंगल को बहुत उत्तम करता चला जाता है। और खून तभी बेहतर रहता है बेटा जब खून के अंदर का पानी बेहतर हो, आदमी के व्हाइट सेल्स बेहतर हो, तो उनको बेहतर करने के लिए क्या करते हैं हम, चांदी डाल सकते हैं, कि चांदी अपने गले के अंदर डालना, हाथ में चांदी का ब्रेसलेट वगैरह डालना ये बहुत जरूरी है। लेकिन औरतों के लिए उल्टा है, औरतें जो अपने मंगल को अच्छा करके रखना चाहती हैं उनको अपनी मांग के अंदर सिंदूर लगाना और लाल रंग का लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है, लाल बिंदी लगाना बहुत जरूरी है,
और पांव के उंगलियों में और अंगूठों में बिछुए धारण करना वो भी उनके मंगल को अच्छा करेगा। तो बेटा मर्दों के लिए ये, औरतों के लिए वो, करके देखिए मंगल देव बहुत ही अच्छा अच्छा मंगल आपके घर पे करेंगे। गुरुदेव हमेशा की तरह। तो बेटा मर्दों के लिए ये, औरतों के लिए वो, करके देखिए मंगल देव बहुत ही अच्छा अच्छा मंगल आपके घर पे करेंगे। गुरुदेव हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को ज्ञान की जानकारी देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तरक्कियां बख्शे दाते। आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए और आपका जीवन भी मंगलमय हो, हमारी तो बस यही कामना है। और इसके लिए आपको करना बस ये है कि गुरुदेव ने आज के जो एपिसोड में उपाय बताए हैं वो आप उपाय अपनी जिंदगी में ढालें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए इसी के साथ मेरा जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।